ताओ ते चिंग, लेखक लाओ त्से। ताओ एक रास्ता। ताओ जिसे जाना जा सके वह वास्तव ताओ नहीं है। नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है। अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तुओं की तरह है। नाम और रूप ही से सभी चीज़ों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या को देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। इनकी दोनों उत्पत्ति एक है, इनके नाम भिन्न है, फिर भी ये एक है। सोचो इस बारे में और तुम पता लगा लोगे। अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो कोई घृणित भी होगी ही, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो कोई बुरी भी होगी ही। आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए। अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर होती है तो कुछ चीज़ें नीचे होती है। तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि यह शोर नहीं है। आप प्रथम आते हो तो कोई बाद में भी आएगा। साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए। वे अपनी बात रख देते हैं बिना कोई शब्द कहे। जब विपत्तियाँ आती है वे धैर्य रखते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर जो भी कुछ होता है वे उसका उपयोग करते हैं। वे कार्य करते हैं बिना किसी का समर्थन चाहे। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे अगले कार्य की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वे इसके श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसीलिए उनका कार्य पूर्ण रहता है। अगर आप अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए। अगर आप चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हो तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो। चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व मत दो, यह लोगों को आपसी कलह से बचाएगा। मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा। लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, यह उनके हृदय को संशय से दूर रखेगा। साधु मुनि नेतृत्व करते हैं लोगों के मन का संशय मिटाकर व उसको शांत करके और उनके हृदय का द्वार खोलकर। वे उनकी लालसाओं को कम करते हैं और उनको स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं भूलना जो वे अब तक जानते हैं और जो वे चाहते हैं, ताकि कोई भी उनका बेवजह फायदा न उठा सके। हर वक्त चीज़ों की लालसा करना बंद करो और देखो कि क्या घटित हो रहा है। यहाँ पर कितनी ताओ है, तुम्हें जितनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। तुम्हें जितनी चाहिए सारी ले लो, यहाँ और भी होगी। तुम इसे देख नहीं सकते, पर यह है, यह हमेशा आसपास होती है। यह कहाँ से आती है? यह तो पूर्वजों के भी पूर्वज प्रतीत हो रही है। यह किसी का पक्ष नहीं लेती, यह अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती। इसी तरह साधु मुनि भी किसी का पक्ष नहीं लेते, वे सबको एक समान समझते हैं। जगह जो कि है स्वर्ग और धरती के बीच में हवा की तरह है। उसका आकार बदलता है पर रूप नहीं। जितना यह चलती है उतनी ही यह बदलती है। दमदार बात में शब्द कम होते हैं, इसी तरह अपने उसूलों पर बने रहना चाहिए। ताओ एक शाश्वत रहस्य है और हर चीज का आरंभ ताओ से है। यह हर किसी के अंदर है, बस जरूरत है तो पहचानने की। यह कभी नहीं रुकती, क्यों? क्योंकि यह कोशिश नहीं कर रही किसी चीज को पाने की। साधु मुनि स्वयं को बाद में देखते हैं, इसीलिए तो वे सबसे आगे रहते हैं। वे चीजों पर निर्भर नहीं रहते, इसीलिए तो वे उन्हें रखने में सफल होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती जिस पर वे नियंत्रण नहीं रख सकते, इसीलिए तो वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने को पूरी तरह से अलग रखते हैं, इसीलिए तो वे बचे रह जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि वो निस्वार्थ है, इसीलिए कि वे स्वयं के प्रति जागरूक है। सही कार्य करना जल की तरह है, यह सबके लिए अच्छा है और बहता है वहां बिना किसी की परवाह किए। जहां वह जाता है ताओ की तरह। अपने पैर जमीन पर रखो और जागरूक रहो कि क्या जरूरी है। वहां रहो, जब लोगों को तुम्हारी आवश्यकता हो कहो जिसका कुछ तात्पर्य हो। हर चीज के लिए तैयार रहो। करो जो तुम कर सकते हो जब उसको होना चाहिए। अगर तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे औरों के साथ तो कोई तुम्हारे साथ भी नहीं करेगा। ज्यादा भरने से अच्छा है समय रहते रुक जाना। अगर तुम ज्यादा पी लेते हो तो तुम नशे में धुत हो जाओगे। अगर तुम ज्यादा संपत्ति जमा करोगे तो तुम उसके अंदर आसक्त हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ सफलता की कामना करोगे तो असफलता में उलझ जाओगे। जो तुम करना चाहते हो उसे करो, फिर आगे बढ़ जाओ। यही तो ताओ का रास्ता है। क्या तुम पकड़ जमा सकते हो अपने अहंकार पर और अब भी ताओ पर केंद्रित रह सकते हो? जो तुम करते हो अपनी जीवन शक्ति का संग्रह, जीवन में अनुकूलशीलता पाने के लिए, क्या तुम बने हो एक बच्चे की तरह?
क्या तुम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे सामने क्या है? क्या तुम एक नेता हो सकते हो बिना खुद को व्यवस्थापक समझे? क्या तुम समझ सकते हो जो हो रहा है और क्या उसे होने दे सकते हो? क्या तुम भूल सकते हो जो तुम जानते हो और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है? क्या तुम पोषण कर सकते हो अपने लोगों का उनको तुम्हारा कर्जदार समझे बिना? वस्तुओं को रख सकते हो बिना उनमें आसक्त हुए? कार्य कर सकते हो बिना उसके फल चाहे? नेतृत्व कर सकते हो हुक्म दिए बिना? यही तो सब सही करने का रास्ता है। एक पहिए के अंदर ताड़िया होती है, पर वह एक खोखली नली के चारों तरफ घूमता है। एक बर्तन मिट्टी का बना होता है, पर हम जल उसके अंदर रखते हैं। एक घर ईंटों और लकड़ी से बना होता है, पर हम रहते तो दीवारों के बीच की खाली जगह में है। हम किसी वस्तु पर काम करते हैं और किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि है कुछ भी नहीं। दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है, इच्छाएं हृदय के साथ खेलती है और ये संसार हमारे मन के साथ। पर एक साधु मुनि इन सबको देखता है और जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है। विजयी होना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है जितना कि डर। इसका क्या मतलब है कि जितना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है? जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिश करके ऊपर उठ सकते हो, लेकिन जब तुम ऊपर ही होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो। हार जीत की परवाह मत करो और जो तुम्हें करना है उसे करो। इसका क्या मतलब है कि आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है जितना कि डर। डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोक देता है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास होने से आप में घमंड हो जाता है। गर्व से चलो पर घमंड मत करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और तुम्हें कोई भी वापस नहीं धकेल पाएगा। जो तुम कर सकते हो उसे करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। तुम ताओ को देख नहीं सकते चाहे कितने भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते चाहे कितने भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे चाहे कितनी भी जोर से पकड़ो। इसको देखो, इसका कोई आरंभ नहीं है। इसके साथ चलो, इसका कोई अंत नहीं है। पर यह है, यह तुम में भी है और तुम्हारे चारों तरफ भी है। वर्तमान को समझो और तुम्हें आदिकाल तक का ज्ञान हो जाएगा। इसे ही कहते हैं वक्त की पहिया। प्राचीन साधु मुनि बहुत ही प्रभावशाली होते थे। वे बहुत ही मग्न होते थे, बहुत ही गहराई से विचार करते थे। हम इसको शब्दों में नहीं बता सकते कि वो कितने गहन थे। हम तो सिर्फ इस बारे में बातें करते हैं कि वे कैसे थे। वे सावधान होते थे जैसे कि एक बर्फ पर चलता हुआ आदमी। वे सतर्क होते थे जैसे कि एक जवान दुश्मन के इलाके में होता है। वे विनम्र होते थे जैसे कि एक मेहमान होता है। वे तेज होते थे जैसे कि एक बर्फ पिघलती है। वे समतल होते थे जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा। उनका मन घाटी जितना गहरा होता था और उनका हृदय झरने के जल जैसा निर्मल। क्या आप ऐसी सहजता और निर्मलता का इंतजार कर सकते हैं इस संसार को समझने से पहले? क्या आप कार्य करने से पहले सही समय का इंतजार कर सकते हैं? जब आप फल की इच्छा के बिना कार्य करते हैं तब आप महान कार्य करते हैं। मन को साफ रखो, धैर्य रखो और देखो कि तुम्हारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है। हर चीज अपनी वास्तविक अवस्था में वापस जाती है। जो कुछ भी नहीं है शून्य है। मूल को जानने से शांति मिलती है। शांति मिलने से अपने प्रयोजन का ज्ञान होता है और इस ज्ञान के होने से स्थिरता मिलती है और इस स्थिरता से आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है और हर चीज शून्य सदस्य हो जाती है और वह ताओ के साथ एक हो जाती है। अगर आप इसे नहीं समझते हो तो आप पहले ही गड़बड़ कर देते हो। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको पता होता है कि क्या करना है। अगर आप ताओ के अनुसार होते हो तो आपको डर नहीं होता क्योंकि आपको पता होता है कि आप कर लोगे। जब साधु मुनि नेतृत्व संभालते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मौजूद है। दूसरा अच्छा नेता वो होता है जो भलाई करता है। इसके बाद वो होता है जिसका डर के कारण पालन किया जाता है। सबसे खराब वो है जिससे लोग नफरत करते हो। लोगों की इज्जत व उन पर भरोसा करो, इसी से आपको इज्जत व भरोसा मिलेगा। साधु मुनि सिर्फ आदेश नहीं देते, वे उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो सब मिलकर कहते हैं कि हम सब ने यह कार्य किया है। जब लोग ताओ का सानिध्य खो देते हैं तब वे बातें करने लगते हैं सही और गलत की और नियमों की। जब लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं तब वे प्रमाणों की बात करने लगते हैं। जब वे एक दूसरे का आदर नहीं करते तब वे बातें शुरू करते हैं विनम्रता और सद्भाव की। जब एक राष्ट्र अस्थिर होता है तब वे देशभक्ति की बातें शुरू करते हैं।
ढोंगपन छोड़ो और ज्ञान का आदर करो, तब लोग वास्तविकता को समझेंगे और खुश रहेंगे। चतुरता को छोड़ो और मूल्यों को समझो और लोगों में आदर भाव व प्यार होगा। लालच को छोड़ो और वास्तविक लाभ को समझो, इससे चोरी और डकैती खत्म हो जाएगी। अगर तुमसे यह संभव नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाओ, सरल बनो तथा वास्तविक रहो। पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करो, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ये मत सोचो, एकाग्र रहो और अपनी लालसाओं को जाने दो। अपना वक्त खराब मत करो बेकार का सोचने में। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि लोग तुमसे सहमत है या नहीं? तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं? तुम उन वस्तुओं की चिंता क्यों करते हो जो औरों के लिए हो? इन सब के बारे में सोचना बंद करो, लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सब के लिए तुम क्यों चिंता करो? वसंत में कोई बगीचे में जाता है, कोई छत पर टहलता है, लेकिन तुम इस बात से चिंतित क्यों हो कि तुम कहीं पर नहीं गए? जैसे कि एक बच्चा होता है, हंसना सीखने से पहले वो नहीं जानता कि कैसे हंसा जाए, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। बाकी सबको इन सब में आसक्त होने दो, पर तुम नहीं हो रहे हो। तुमको अपना मन इन सब चीजों से नहीं भरना है, तुमको इन सब में नहीं फंसना है, किसी एक चीज से बंधे नहीं रहना है। और लोग चतुर होते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। और लोगों का लक्ष्य होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं लक्ष्य रहित हूँ, हवा की तरह हूँ या फिर लहरों की तरह। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं तो ताओ के साथ एक हूँ। एक साधु मुनि ताओ पर एकाग्र रहता है और कुछ नहीं, सिर्फ ताओ। ताओ का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। हाँ, इसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तब भी यह एक आकृति की तरह है। हाँ, इसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, तब भी इसका एक ढांचा है। हाँ, यह धुंधली है, उज्ज्वल नहीं है, फिर भी इसी के अंदर प्रकाश है। यही एक शाश्वत सत्य है और इसी से विश्वास है। आप एकाग्र कैसे रह सकते हैं एक ऐसी चीज पर? आदि से लेकर अब तक इसे भूला नहीं गया है, क्योंकि यह ऐसी ही है। जब से यह संसार है तभी तो यह हमारे साथ है। मैं यह कैसे जानता हूँ? इसी से ही मैं जानता हूँ। कभी कभी हार माननी पड़ती है हमेशा जीतने के लिए, झुकना पड़ता है ऊंचा खड़े रहने के लिए। अगर तुम ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करो। अगर तुम इस दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले स्वयं को जीतो। अपना सारा दम लगा दो अपनी आखिरी सांस पर, तभी तुम अपने सामर्थ्य को पहचान पाते हो, तुम दूर तक जाते हो। जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं होता, जितना तुम इकट्ठा करोगे उतना ही तुम वास्तविकता से दूर होते जाओगे। एक साधु मुनि इसे अपने हृदय से समझता है और औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह दिखावा नहीं करता, इसीलिए तो लोग उसकी समीक्षा करते हैं। वह अपने आप को परिभाषित नहीं करता, इसीलिए तो वह सबसे अलग होता है। वह अपनी क्षमता का गुणगान नहीं करता, इसीलिए तो वह सफल हो पाता है। उसे अपने कार्य पर घमंड नहीं होता, इसीलिए तो वह लंबे समय तक टिक पाता है। वह यहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता, इसीलिए तो कोई उसके रास्ते में नहीं आता। एक प्राचीन कहावत है, जो पेड़ तेज हवाओं में झुकता है वही बचा रह जाता है। यह सच है, आखिर में वही बचता है। ताओ के सानिध्य में रहो और तुम्हें इसका अर्थ समझ आ जाएगा। प्रकृति भी इसे अपनाती है, तभी तो हवाएं नहीं चलती पूरे दिन के लिए, तूफान नहीं रहता पूरे दिन के लिए। अगर प्रकृति यह जानती है और इसे अपनाती है तो तुम्हें भी करना चाहिए। इन्हें कौन हमेशा के लिए बना सकता है? क्या स्वर्ग और धरती? पर यह तो इनको शाश्वत नहीं बना सकते, तो फिर मनुष्य के लिए कैसे संभव है? जो ताओ के अनुसार होता है वह ताओ के साथ एक होता है। जो खुश रहता है उसे खुशी मिलती है, जो खुद को दुखी समझता है वह दुखी रहता है। जब तुम ताओ के साथ एक होते हो, ताओ तुम्हें स्वीकार करती है। जब तुम खुशी को अपनाते हो तो खुशी तुम्हारे लिए वहां हमेशा होती है। स्वयं पर विश्वास रखो और बाकी सब भी तुम पर विश्वास करने लगेंगे। अपने उद्देश्य में दृढ़ रहो ताकि तुम रास्ते से भटक न जाओ। खुद पर नियंत्रण सीखो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। खुद पर ध्यान आकर्षित मत करो अगर तुम चाहते हो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आए। कोई भी उनका आदर नहीं करता जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। कोई भी उनको श्रेय नहीं देता जो हमेशा खुद ले लेते हैं। लोग जो अपना प्रचार खुद करते हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। ताओ के संदर्भ में ये होते हैं, ढोंगी और हद से ज्यादा रखने वाले। वे नहीं लाते कभी भी खुशियाँ। जो लोग ताओ के साथ एक होते हैं उन्हें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। कुछ है जो अप्रतिभाषित है फिर भी संपूर्ण है, शाश्वत है, जो धरती और आकाश से भी पहले से है, शांत और अपार, स्थिर है शुरुआत से और फिर भी मौजूद है। सभी चीजों की उत्पत्ति का कारण है। मैं इसका नाम नहीं जानता
पर इसे ताओ के नाम से कहता हूँ। इतना भव्य कि यह टिका हुआ है, और जो टिका रहता है वो लंबे समय तक रहता है, और जो लंबे समय तक रहता है वो शुरुआत में फिर आता है। ताओ भव्य है, धरती और स्वर्ग भी भव्य है, और जो ताओ के साथ एक है वो भी महान है। यही चार तो इस ब्रह्मांड में महान है। जो ताओ के साथ एक है वो धरती के साथ भी है, और धरती स्वर्ग के साथ है, और स्वर्ग ताओ के साथ है, और ताओ सबके साथ है। भारी ही हल्के की उत्पत्ति का कारण है, स्थिर से ही अस्थिर की उत्पत्ति है। इसलिए साधु मुनि पूरा दिन चलते हुए भी अपनी मंजिल से दृष्टि नहीं हटाते। कई मनोहर चीजें उन्हें भटकाना भी चाहती है, पर वे शांत रहते हैं। एक शासक कैसे एक राष्ट्र को संभाल सकता है बिना किसी परेशानी के, जबकि वो इन सब लालसाओं और इच्छाओं से ग्रसित होता है। अगर वो ज्यादा उदार है तो उसके मंत्री भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर वो ज्यादा सख्त है तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। पूर्ण अभ्यास के द्वारा तुम आ जा सकते हो बिना कोई छाप छोड़े, बिना लड़खड़ाए लगातार बोल सकते हो, मुश्किल गणित का हल निकाल सकते हो, दरवाजा बना सकते हो बिना ताले का जिसे कोई नहीं खोल पाएगा, बांध सकते हो किसी भी चीज को बिना गांठ के और बिना रस्सी के, और वो ढीला भी नहीं होगा। साधु मुनि होते हैं सबकी मदद करने के लिए, और जरूरत पड़ने पर सभी को अनदेखा भी करने के लिए। वे चीजों का उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं और कुछ भी बेकार नहीं जाने देते। कुछ लोग इसे कहते हैं अपने आत्म प्रकाश का अनुसरण करना। अच्छे लोग बुरे को सिखाते हैं क्योंकि उनमें सिखाने की क्षमता होती है। होशियारी किसी काम की नहीं होती। अगर आप अपने गुरु और बड़ों का आदर नहीं करते हो और दूसरों के हुनर को इज्जत नहीं देते हो, यही ताओ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अगर तुम ताकतवर हो पर फिर भी संवेदनशील हो, तो शक्ति तुम्हारे अंदर बहती है जिससे तुम हमेशा ताओ के साथ एक होते हो। यह एक नई जिंदगी की तरह है। अगर तुम आदर्शवादी हो परंतु वास्तविकता को जानते हो, तो तुम दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हो। इसे करो और तुम हमेशा ताओ के साथ एक होगे। तुम कुछ भी कर सकोगे। अगर तुम अच्छाई जानते हो पर तुम्हें बुरा का भी ज्ञान है, तो तुम दुनिया के लिए प्रमाण स्थापित करते हो। इसे करो और तुम हमेशा ताओ के अनुसार होगे। तुम फिर से कुछ भी कर सकोगे। अगर तुम मानवीय हो पर फिर भी विनम्र हो और चीजों को देखते हो जैसे कि वे है, तो तुम हमेशा ताओ के अनुसार होते हो और तुम्हारा जीवन सरल और सामर्थ्यवान हो जाता है। सच्चे तथा सजग रहो और फिर देखो ताओ तुम्हारे साथ एक होती है या नहीं। तुम इस दुनिया को विजय करना चाहते हो, फिर से सोचो। यह दुनिया एक पवित्र जगह है। तुम जो चाहो वे इसके साथ नहीं कर सकते। जिन्होंने इसे बदलने की कोशिश की है उन्होंने इसका विध्वंस कर दिया है। जिन्होंने इसे पाने की कोशिश की है उन्होंने इसे खो दिया है। कई बार आप आगे बढ़ते हैं या कई बार पीछे रहते हैं। कई बार आप खुद को बढ़ाते हैं या कई बार आप स्थिर रहते हैं। कई बार आप सुदृढ़ होते हैं तो कई बार कमजोर। कई बार आप ऊपर होते हैं तो कई बार नीचे होते हैं। एक साधु मुनि सदा जीवन व्यतीत करता है अधिकता से परहेज करते हुए। ध्यान से सुनो, अगर तुम एक मुखिया बनना चाहते हो तो जो ताओ के सानिध्य में होता है वो कभी भी अपने लक्ष्यों के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि हिंसा हमेशा बुरा ही लौटाती है, उससे कुछ बुरा ही होता है। युद्ध पर गई सेना अपने पीछे आंसुओं के निशान छोड़ देती है, और फौजों की जीत हमेशा विध्वंस करती है। साधु मुनि वो करते हैं जो होना चाहिए, और बस यही वो करते हैं। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, बिना घमंड और अहंकार के कार्य को पूर्ण करो, पर फिर फल की चेष्टा मत करो। जो तुम्हें करना हो करो, पर खुद के फायदे के लिए नहीं, इसीलिए करो कि वो होना चाहिए। इसे इस तरह मत करो कि जैसा तुम सोचते हो कि यह होना चाहिए, ऐसा करो कि जैसे इसको होना चाहिए। ताकतवर अपनी सारी शक्तियां खो देता है, और अपना ताओ के साथ संबंध भी। अगर वह ताओ के साथ सही नहीं होता है और वे ज्यादा समय तक नहीं टिकते, और वे मृत की तरह होते हैं। हथियार भयावह वस्तु है, और अगर तुम ताओ के साथ एक होना चाहते हो तो उन्हें त्याग दो। एक साधु मुनि जानता है कि सबकी उत्पत्ति ताओ से है, और पहचानता है कि इन सब में क्या समानता है। अपने विरोधियों के साथ वह हमेशा कोशिश करता है झगड़े से बचने की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तब वह शक्ति का सावधानी से उपयोग करता है। यह वह बिल्कुल संयम से करता है, और कभी उस जीत का जश्न नहीं मनाता जो वो उसे लोगों को मारकर मिली है। जो लोग दूसरे लोगों की हत्याएं करते हैं वे ताओ के साथ अपना सानिध्य खो देते हैं।
जब आप एक युद्ध जीतते हैं तब आप कब्रों पर चलते हैं, मरे हुए को सम्मान दो। ताओ एक शाश्वत रहस्य है, यह इतना छोटा है कि तुम इसे पकड़ नहीं सकते। अगर एक मुखिया ताओ के साथ एक होता है तो बाकी सब उसे निर्विरोध अपनाते हैं और हर चीज सही हो जाती है। लोग सही चीज करते हैं बिना कुछ बताए। जब एक चीज के कई भाग किए जाते हैं तो उनको हर एक को एक नाम चाहता है। यहाँ पहले से ही बहुत से नाम है और भेद है, फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। इसके जानने से विपत्तियां नहीं आती। इस ब्रह्मांड में हर चीज के पास ताओ है और हर वस्तु ताओ की तरफ जाती है, जैसे कि नदियों का पानी समुद्र की तरफ जाता है। चीजों को जानना आपको चतुर बनाता है, पर खुद को जानना आपको बुद्धिमान बनाता है। औरों पर विजय होने के लिए तुम्हारा ताकतवर होना जरूरी है, पर खुद को जीतने के लिए तुम्हारा सामर्थ्यवान होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास होता है जो तुम्हें चाहिए, तभी तुम सही मायने में संपन्न होते हो। अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। अगर तुम अपने प्रति ईमानदार रहते हो तो तुम कभी नहीं भटकोगे। अगर तुम अपनी जिंदगी में जीवंत रहते हो तभी तुम जीते हो। ताओ सभी दिशाओं में है, यह हर वस्तु में है, पर हर वस्तु के पास यह नहीं है। सबको इसकी जरूरत है, तभी तो यह प्रदान करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। हर चीज ताओ से आती है, पर यह अपने आप को प्रदर्शित नहीं करती। यह कुछ चाहती भी नहीं और कुछ सोचती भी नहीं। हर चीज ताओ की तरफ जाती है, पर वह उनका स्वामी नहीं बनती। इसलिए इसे हम महान भी कहते हैं, क्योंकि यह कभी इस महानता की इच्छा नहीं रखती। यही तो इसकी महानता है। जब आप ताओ के साथ एक होते हो तब हर कोई आपका मित्र होना चाहता है। जब वे आपके आसपास होते हैं वे खुद को शांत व आनंदित महसूस करते हैं। लोगों का ध्यान आसानी से भंग हो जाता है अच्छे संगीत या अच्छे भोजन द्वारा। जब हम ताओ की बात करते हैं यह हमें औरों के मुकाबले उबाऊ लगता है। यह और किसी जैसा नहीं होता, न ही उन जैसा इसका अर्थ होता है। लेकिन तुम इसका कितना भी उपयोग करो यह हमेशा होती है। किसी चीज को पतला करने के लिए पहले उसे खींचो, उसे छोटा करने के लिए पहले उसे बढ़ाओ, किसी को कमजोर बनाने के लिए पहले उसे शक्ति दो, किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए उसे प्रदर्शित करो, किसी चीज को लेने के लिए उसे सब कुछ दे दो। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि, मंद और कोमल। विजय हो जाता है तेज और सख्त से। जैसे कि एक मछली को तालाब से बाहर नहीं आना चाहिए, एक राज्य को अपने गुप्त हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ताओ कभी कुछ नहीं करती, फिर भी न होने को कुछ बचता भी नहीं। अगर हमारे नायक ताओ के अनुसार हो जाए तो यह दुनिया अपना ध्यान खुद रख लेगी। अगर वे फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो सरल व वास्तविक रहे। सच्चे स्वरूप की सरलता होने से इच्छाएं नहीं होती और इच्छाओं के न होने से शांति मिलती है, और यह संसार प्रकृति के अनुसार ही सही रास्ते पर चलता है। धन्यवाद। वन एंड ओनली ऑडियो बुक्स। चलिए चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो है द वर्च्यू, वह सामर्थ्य। ताओ ते चिंग, लेखक लाओ त्से। द वर्च्यू अर्थात ते वह सामर्थ्य। एक अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ही तो वह अच्छा होता है। एक मूर्ख व्यक्ति अच्छा होने का ढोंग करता है, इसीलिए तो वह बुरा होता है। वह अच्छा व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी न होने के लिए कुछ नहीं बचता। वह मूर्ख व्यक्ति हमेशा किसी चीज में लगा रहता है, फिर भी उसे सब कुछ अपूर्ण लगता है। जब दयालु लोग कार्य करते हैं वे इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वे हमेशा बस उसे करते हैं और उन्हें आभास होता है कि वे सही कार्य कर रहे हैं। पर जब लालची व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। वे हमेशा सभी को अपने अनुसार चलने को कहता है। अगर आप ताओ के सानिध्य में नहीं है तब भी आप में अच्छाई मौजूद होती है। अगर आपके पास अच्छाई होती है तो आप हमेशा दयालु होते हैं। अगर आप दयालु हैं तो आप हमेशा न्यायप्रिय होते हैं। और अगर आप न्याय करते हैं तो कोई संशय बाकी नहीं रहता। संशय केवल एक भ्रांति है विश्वास और भरोसे की, और हमें हमेशा विपत्तियों की ओर ले जाता है। इसीलिए साधु मुनि हमेशा भरोसा रखते हैं जो यथार्थ है, न कि जो ऊपरी दिखावा है, फल पर न कि फूल पर। सत्य है, वे हमेशा वास्तविकता को महत्व देते हैं, दिखावे को नहीं। समय की शुरुआत से ही यह ताओ के सानिध्य में होने का मतलब है। ताओ ने स्वर्ग को सुंदर बनाया, ताओ ने धरती को दृढ़ बनाया, ताओ ने आत्मा को शक्ति दी,
ताओ ने घटिया को उपजाऊ बनाया, ताओ ने जीवन प्रदान किया, ताओ ने शासक को अधिकार दिए। ताओ के बिना स्वर्ग ढह जाएगा, ताओ के बिना धरती कम जाएगी, ताओ के बिना शक्ति मिट जाएगी, ताओ के बिना खेत सूख जाएंगे, ताओ के बिना जीवन खत्म हो जाएगा, ताओ के बिना शासन खत्म हो जाएगा। नम्रता हमें शक्ति देती है, हमारे शासकों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। विनम्र बिना ब्रह्मांड के, क्या यही विनम्रता है? सुदृढ़ बनो, दिखावे के पीछे मत भागो, अपना प्रदर्शन मत करो, तमाशा मत बनाओ। ताओ वापस जा रही है, जहाँ से वो आई थी वह आगे बढ़ रही है बिना कोई कदम बढ़ाए। वस्तुएं जो अब है, एक बार वो भी नहीं थी। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है, वह इसके साथ एक हो जाता है। जब एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में सुनता है, वह इसके साथ होने की कोशिश करता है पर फिर इसे छोड़ देता है। जब एक मूर्ख इसके बारे में सुनता है, वह इस पर हंसता है। अगर वह इस पर नहीं हंसे तो यह ताओ नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा गया है, ज्ञान का रास्ता मंद होता है, आगे बढ़ना कभी पीछे हटने जैसा लगता है, आसान रास्ता मुश्किल लगता है। ज्यादा सामर्थ्य वाले कमजोर प्रतीत होते हैं, जो शुद्ध होते हैं वे अपवित्र प्रतीत होते हैं। गहन विचार हास्य लगते हैं, महान शक्ति कमजोर प्रतीत होती है। जो वास्तविकता होती है हमें काल्पनिकता लगती है। सबसे बड़ी जगह की कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिभा ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं करती। सबसे महान आवाज को लोगों द्वारा सुना नहीं जाता। सबसे महान सुंदरता अदृश्य है। ताओ हमारे अंदर है, फिर भी इसका कोई नाम नहीं है। यह हमारे तथा प्रत्येक वस्तु के लिए